गुड मॉर्निंग भाई सारा ने भाई अपनी तो गुड मॉर्निंग हो रही है भाई। 2:10 हो रहे हैं बता। पहले दिन चले थे, अगले दिन चल रहे हैं इतनी। या भाई कोई टनल है भाई, या उदयपुर में एंट्री करते आए टाइम आई है, या 15 किलोमीटर रह रहे हैं उदयपुर आड़े थे भाई। सीधा होटल का रास्ता भर रखा है, कसूती नींद आने लग रही भाई साहब। रहे यह जी कर रहे हैं बस, अड़े सो जाओ रोक गाड़ी कोना चलते आगे तड़के चल पड़ा के। पर ठीक है यार, कब कमरे में पहुंच जाए और आराम से सो जाओ। वसीब तो 10-15 मिनट का रहा, और हनुमान लो 60 की स्पीड तेन गाड़ी चलती रहेगी तो 15 मिनट में और पहुंच जाओ भाई। तड़के देखा है भाई, तड़के उठकर ने भी मिला है पत्थर तो फिर आगे की वीडियो में तड़के उदयपुर के दर्शन करवाए भाई ने। ये बता भाई, राह में चल रहे हैं, कोडवर पहुंचा है बेरा ना भाई। यो भाई उदयपुर महल है भाई, भीतर म्यूजियम भी है भाई। म्यूजियम भी बहुत बढ़िया है, एक नंबर का। आगे खुद देख लियो, मैं बता दूँ फिर तुम के देखोगे। बाकी बहुत बढ़िया भाई, बहुत स्वाद आएगा भीतर से जाकर जब देखोगे। उधर कैमरे का अलग तरह पे ला कर उधर लेकर कोना गए थे, हमने बनाई कोना थे वीडियो, फोन हमारे बाहर रख रहे थे। ये बगोल गप्पे खा लिया बाहर है, पाँच ने लेकर करना चला गया। यह है भाई पिचोला लेक, लोग बोटिंग कर लाग रहे हैं। साँझ का टाइम हो गया भाई, देख जो बटे केरा दियो रहे हैं। आ रहा स्वाद जी से ले रहे हो डाकी क्या ना के देख जो लोग पूरी पीले ले रहे हैं, जो लोग स्विट्जरलैंड के जिला वो पे डाकी तो यह है भाई, तो यह पिचोला लेक का दर्शन था बड़े। चलो रोटी राटी खाया, भूख लग रही है भाई। यो भाई रूफ टॉप होटल अड़े किसी पिचोला लेक के साथ में है यो। तो भाई सांझ का टाइम हो रहा है, बढ़िया अड़े तो दिन छपता दिखेगा साफ थी। ये देखो ये किसी बैठे अड़े चलो देख कड़ा टारी टंगे है, ये रोटी खाने का तरी नीचे उतर गए उड़े बैठे रहने दे, लागे रहने दे ज्यादा लागे। बाकी अड़े सिलगिड़ी बाल चल लागी, बढ़िया नज़ारे है भाई। डे के टाइम पर अरे छिड़ी छिड़ी मीठी मीठी हवा खा कर रोटी खा कर रगड़ना चाल पड़ा अपने भाई। लो भाई बस थोड़ी सी दूर हो रहा है गाड़ी तक, उड़े पिछोला लेक पर तो आड़ा गाड़ी खड़ी करके जा रहे थे। उड़े दो तीन चक्कर काट रहे थे मेन जब आते जान खाते, उड़े पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे जाने ना देते। ऊपर एक ऑटो वाला आया जबरदस्त एक नंबर का, उसने कही भाई आड़े ऑटो खड़ा उतरवा था ना, हमने ऑटो में देगा गाड़ी की बात क्या ना, फिर वहाँ खड़ा ऑटो लेंगे तो कहाँ कहाँ आना है भाई। बस और अड़े रोपड़े उतरती है आपके शाम का फिर कल भाई सुबह उठकर ना शिल्प ग्राम चलेंगे, पर फिर शिल्प ग्राम पाचा भाई अपने माउंट आबू खातर लेकर जाएंगे भाई कल। ठीक है भाई, लो भाई कठपुतलिया खेल देख लो अपने सिलग्राम में आ गए हैं। कठपुतलिया खेल दिखाना है अरे बैठे हैं भाई थे बहुत आ रहा साल साल तक बैठे देखना है इतने जान हमारे डांस प्रोग्राम भी होगा भाई चार बैठे हमें साल साल देखा है कि हमारे डांस प्रोग्राम देखिए बढ़िया मुझे देखा है।
ये भाई माउंट आबू की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है, ये बड़ी लेक के पास है बाहुबली हिल्स, और ये व्यू है भाई बाहुबली हिल्स का। 10 रुपए की यहाँ पे एंट्री टिकट लेते हैं भाई इस पहाड़ी को देखने की भी, चाय और मैगी पीने खाने पीने के लिए मिलती है, चाय मिलती है भाई बिना दूध की। ये भाई व्यू यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है चढ़ने का ऊपर तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिंगल वे है, आगे पीछे चलना पड़ता है, दो तो एक साथ चल नहीं सकते। यही 10-15 लोग आए हुए हैं बस, ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है। हाँ यूँ है, व्यू बहुत बढ़िया है, इसको वेडिंग क्लिकर के नाम से जाना जाता है भाई यहाँ पे। माउंट आबू के रास्ते चल दिए भाई हम उदयपुर बाहुबली हिल होकर, ये एक छोटा सा कोई अप्रोच गांव से रोड गया है, उधर से हमने ना एक मेन जो रास्ता था वो छोड़ दिया था भाई, इस रास्ते हो लिए थे, यो भी उस रास्ते में ले जाकर मिला होगा, लेकिन इस गांव में निकाल के मिला होगा। बड़ा ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत स्वाद से आए हैं, यो थोड़ा सा आ गया अपने गाँव जैसा एरिया, बहुत कम देखने मिले इसे गाँव न्यू के न्यू, मतलब अपने इस इलाके से जुड़ू थोड़े से लोकल से एरिया में आ गए हो। भाई बड़े थे सबसे पहला हमारा टारगेट है पेट्रोल पंप ढूंढने का, क्योंकि गाड़ी में तेल बहुत कम रह रहा है, बिल्कुल यूँ मान लो कि 70-75 किलोमीटर के दिखाओ गाड़ी एवरेज पहुँचने की, अगर भाई 70-75 किलोमीटर आ रही थे पहुँच जाएगी उस तेल में गाड़ी, और भाई का बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, नुए रास्ते काटने हैं, नुए सफर के मजे लेने हैं, हंसते रहो खेलते रहो मौज लेते रहो, मौका मिलती है घूमने लेकर जाओ, नुए चलते रहो भाई, बस यही सफर है, नुए जिंदगी कट जाएगी, भला करते रहो भला सा आपका भी होता रहेगा। और ऊपर मेन रोड पे लगे पाचा फिर मिलता हूँ भाई इतना, जो एक आर्टिफिशियल झरना बना रखा है भाई रास्ते में मिल गया, यही घूमना है तो पैड़िया पर गई ऊपर को नाले का पानी पूरी ऊपर निकाल रहा है, पर है पानी साफ सुथरा बिल्कुल, मतलब एकदम अजब लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है वालों का नजर से अलग। यो भाई अड़क गुरु शिखर माउंट आबू में है, सबसे ऊंची चोटी पर आ गया अड़क, यो व्यू है भाई का, दूर दूर तक व्यू रहना समझ में नहीं आ रहा, मतलब लेयर सी के दिखा पहाड़ है के है, कुत्ती प्लेन दिखा दूर तक साफ, को पेड़ नहीं कुछ नहीं बिल्कुल सूखा, यो देख लो भाई यो नज़ारे आड़े के भाई, यो गुरु शिखर है माउंट आबू को चौकी भाई।
कभी कभी प्लेन, कुछ जंगल वंगल कुछ नहीं दिखता भाई, कभी खाली दूर तू देख किसा प्लेन एरिया दिखा है, ये छोटे मोटे गांव से दिखे हो। वाह रे वाह, बाज उड़ारी मार रहा बाड़ते। यो बिराना भाई की है कोई वीआईपी गेस्ट हाउस वगैरह लग गए है, व्हाइट हाउस राजस्थान माउंट आबू का व्हाइट हाउस। बैठ जाए यहाँ, वो रोमांटिक फील देनी है क्या? हनीमून पॉइंट पर तो घूम का है भाई का। ये देखा है तू ना थोड़ा अनीदार ना मून बस पॉइंट पॉइंट था, चार लोग जा रहे थे बस, अरे हम थे चारू उस पता नहीं जा बोला उल्टे बड़े मारो वो या नक्की लेक है भैया, माउंट आबू की झील, राजस्थान में झील सारी जगह है, या नक्की लेक है भाई। यो रास्ता भाई वो माउंट आबू तो सीधा जा है, एक डेढ़ किलोमीटर पाया पाया जा गया भाई। ये चल रहे भाई, हम सारे थका लिए, गाम सा हो रहा भाई, धूप लग लगी, कोट काट पैर कर चले थे सबके बात हमारी हरा पानी हो रहा कति। ये देखो भाई अपने देश का झंडा कैसे शान से लहला रहा है, झीली रखिए तोड़ देगी मेरा तोड़ दी ट्रेन कर लाए आइसक्रीम पकड़ आइसक्रीम Ha ha ha!
आइसक्रीम खाकर भाई जाकर हमने सोना है तड़के ही चलना है बस जैसलमेर जैसलमेर की वीडियो में अगली वीडियो में इतना राम ना हवाई